संजना मेरे साथ आ। हैप्पी बर्थडे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तुम कैसे जानते हो? बस जानता हूं और भी बहुत कुछ जानता हूं। 5 जनवरी को तुम्हारी माँ गुजरी थी और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और इस वक्त वो तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। लड़के के बारे में तुम क्या कह रहे थे? हीरो है। हाँ सर। वो कौन है जानते हो? नहीं। 12 साल की जेल काट कर आया है वो। स्कूल जाने की जगह वो जेल गया। अपराधियों को इकट्ठा करके बैंकॉक में गैंग बना रहा है। तेरी तो तुम सब उसके साथ हो। कौन सी जेल से आए हो तुम? दिल्ली से, मुंबई से? बता मुझे वरना मैं जान से मार दूंगा। गोली मत चलाइए। संता फौरन एक हेलीकॉप्टर बुक करो, थाईलैंड का चप्पा चप्पा छान मारो। ओके सर। पागल हो गई हो? हो सकता है मेरे डैडी हो। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ चरण। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम अमीर नहीं हो इसलिए मेरा डैड कभी नहीं मानेंगे। प्लीज मुझे यही रहने दो। प्लीज चरण मान जाओ ना। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर ये नहीं सोचा था कि तुम भी करोगी। और मैं ये कभी नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। पर क्यों? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। हमारा छोटा सा परिवार था जिसमें मां थी, मेरे पापा थे और मैं। उसके बाद 12 साल में जेल में रहा। जेल से रिहा होने के बाद पता चला कि मेरी मां गुजर गई। मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला एक ही आदमी है जिसका नाम है मट्टू भाई। जेल से निकलने के बाद मैं पागलों की तरह इधर उधर मट्टू भाई को ढूंढता रहा। मट्टू भाई, उससे तेरे को क्या काम है? मट्टू भाई को तो अपन अच्छे से जानता है। मट्टू भाई अब तेरे को नहीं मिलेगा। मट्टू भाई अब इधर नहीं रहता। हांगकांग, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर जा के ढूंढ ले। मेरा बैंकॉक आने का एक ही मकसद था, मट्टू भाई की मौत। एक दिन मुझे उसके ठिकाने का पता चल ही गया। वो यही बैंकॉक में रहकर अपने काले धंधे कर रहा है, अपने अंडरवर्ल्ड के कामों को अंजाम दे रहा है। उसका एक खास पंटर भी है, भीकू। तुम उसे जानती हो, उसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी।
वो भी मट्टू की तरह अय्याश है। उसकी शामें बैंकॉक के क्लब्स में गुजरती है। 2 हफ्तों की कड़ी तलाश के बाद आखिर मुझे मट्टू का पता चल ही गया और मैं अपना बदला पूरा करने वहां पहुंच गया। किस्मत अच्छी थी, उस दिन वो बच गया और फिर वो बैंकॉक से फरार हो गया। अगर इस बार वो मेरे हाथ लग गया ना तो छोड़ूंगा नहीं साले को, चाहे मुझे दोबारा जेल ही क्यों ना जाना पड़े। तो अब बोलो, अब भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? चरण, प्लीज उसे बचा लीजिए। चरण,
क्या हो गया यार? तू रो मत। क्या हुआ? यहाँ पर कोई तमाशा हो रहा है क्या? हॉल्ट! भीड़ कम करो। और तुम्हें क्या हुआ? हाँ, तुम क्यों आंसू बहा रही हो? गलती मेरी है, ना ही मैं तुम्हें यहां भेजता, ना ही तुम्हें उस लड़के से प्यार होता। हाँ, तुम जानती हो वो कौन है? झोपड़पट्टी का रहने वाला है, पेट की आग बुझाने के लिए बैंकॉक आया था, भिखारी कहीं का। मुझे उस भिखारी से ही प्यार है। क्या? मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। आज की जनरेशन ने ऐसा कोई रूल बनाया है क्या? हाँ, फिल्मों की तरह अमीर लड़की गरीब से प्यार करेगी और अमीर बाप उसे अपना दामाद बनाएगा और उसके बाद हैप्पी एंडिंग? अरे तूने उसमें आखिर देखा क्या? प्यार अंधा होता है डैड। प्यार? हाँ? यार की पैसे की तैसी। प्यार की पीएचडी हो गई तेरी? हाँ? कॉलेज में लैला मजनू का ड्रामा सीखने जाती है तू? ए सुबू। जी सर। तूने इसे जिस कॉलेज में डाला है वहाँ पढ़ाते हैं या प्यार सिखाते हैं? प्यार क्या है आप नहीं जानते डैडी। चल मैं नहीं जानता। हाँ? चल तू ही बता मुझे प्यार के बारे में। चल बता, मुझसे सुन। इतना बड़ा बिजनेस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, घंटों बिजनेस मीटिंग में होने के बावजूद मैं बार बार फोन करके तुझे पूछता हूँ कि तू कैसी है, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? जब मुझे पता चला तुम गायब हो गई हो, मेरे दिल में एक दर्द उठा था। इसे तुम क्या कहोगी, हेल्थ प्रॉब्लम? ये प्यार नहीं है ना? दो दिनों से मैंने झपकी तक नहीं ली है, उसकी वजह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये प्यार नहीं है। मैंने बड़े लाड़ प्यार से तुम्हें बड़ा किया है, मगर तुम्हारी नजर में ये मेरी जिम्मेदारी थी और उस कल के लड़के ने तुम्हारे लिए अपने जज्बात दिखाए तो तुम्हें उससे प्यार हो गया। औलाद पैदा करने से बेहतर है कुत्ता पाल लो, कम से कम वफादार तो रहेगा। गली के कुत्ते उस पर भौंकेंगे जरूर, मगर उसके साथ घर तो नहीं आ जाएंगे। ठीक है डैड, मैं आपको एक अमेरिकन कुत्ता गिफ्ट कर देती हूँ, पर मुझे जाने दीजिए। जाने दूं? गिफ्ट करेगी। अमेरिका से कुत्ता मंगवाने के बजाय मैं तुम्हें ही अमेरिका भेज देता हूँ। सुब्रमण्यम सुनो। सर। नेक्स्ट राइड से इसे भेज दो, टिकट ना मिले तो चार्टर्ड प्लेन से इसे वहां भेज दो। जी सर। कितनी बदल गई है ये, कहीं से लगता है कि ये मेरी बेटी। संजना बेबी। ए टू नाउ साइड। संजना बेबी। संजना बेबी। तुम उधर जाओ। संजना कहाँ गई होगी सर? मेरे लिए कुत्ता खरीदने गई होगी। पूरा शहर छान मारो।